नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियां और लोगों को गरिमापूर्ण जीवन मुहैया करवाने के बीच ढंग का तालमेल नहीं है, मगर फिर भी भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं जो हल्की सी राहत दी जाती है लोगों को, उसको लेकर कहते हैं कि यह रेवड़ी कल्चर है और देश के विकास में बाधक है। तो इस पूरे परिदृश्य पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपा सिन्हा, जो सामाजिक नीतियों पर बहुत लंबे समय से काम करते आ रही हैं। तो आपसे पहला सवाल ये होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज में बसी गरीबी, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, इन सबको ध्यान में रखते हुए फ्री बीज, रेवड़ी कल्चर जैसी बातों को आप किस तरह से देखती हैं? लेकिन पहली बात तो ये है कि किसी भी सभ्य समाज में, और जहाँ पे लोकतंत्र है और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जिसका एक संविधान है जिसमें कुछ हक दिए गए हैं लोगों को, उसमें हम सरकार के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेसिक खाना, पोषण, रोजगार, पेंशन, कि ये चीजें अगर मार्केट पे के द्वारा लब नहीं हो पा रहा है सभी लोगों को, तो उसमें स्टेट को घुसना पड़ता है और ये निश्चय करना पड़ता है कि सभी को एक समान कुछ चीजें कम से कम मिले। तो मैं ये फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर का डिस्कशन को उस परिपेक्ष में देखना चाहूंगी कि हम, जब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है अपने सिटीजन्स के प्रति, उसको हम फ्रीबीज बोलने से उसमें एक लेवल पर ये समझ आगे आती है कि हम कोई दान कर रहे हैं। जैसे सरकार कुछ ऊपर बैठा हुआ है और वो अपने बड़े अच्छे स्वभाव से लोगों, गरीबों को कुछ दे रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि जो सरकार के तरफ से जो भी सेवाएं पब्लिक को मिलती हैं वो दान नहीं है, वो अधिकार है। और लोग चुनती है अपने सरकार की हमारे लिए काम करें, और अगर उस हिसाब से अगर हम सोचे तो जो भी सरकार के स्कीम्स या प्रोग्राम से आते हैं उसमें किसी भी चीज को फ्री भी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार का पैसा भी तो जनता से ही आती है। लोग कहते हैं या सरकार भी कहती है, और आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसकी वजह से सरकारी खजाने पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? जी, जरूर पड़ेगा। और एक इकोनॉमिस्ट के रूप से हम लोगों को देखना फिर भी पड़ता है, सरकार को भी देखना पड़ता है कि कौन सा खर्चा को हम जस्टिफाई कर सकते हैं और किस चीज को हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है संविधान। संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं लोगों को, और उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर सरकार कुछ कर रही है उसमें खर्चा लगेगी। लेकिन हमें इकोनॉमिक्स ये भी सिखाता है कि ये जरूर, सरकार की जो बजट होती है वो एक परिवार की बजट जैसा नहीं होती है, क्योंकि सरकार पैसा बना भी सकती है। एक परिवार में तो हमें जितना आय मिलता है हम उसी को खर्च कर सकते हैं, लेकिन सरकार जब खर्च कर रही है वो जितना कमा रहा है उससे ज्यादा भी खर्च कर सकता है। और बहुत बार स्थिति ऐसी होती है कि इसको, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, कि सरकार जो जितना टैक्स कमा रहा है उससे ज्यादा खर्चा कर रहा है, कि बहुत बार स्थिति ऐसे होती है कि फिस्कल डेफिसिट के चलते एक्चुअली आर्थिक ग्रोथ भी होता है, क्योंकि आप लोगों के हाथ में खरीदने का क्षमता दे रहे हैं, जिससे लोग खरीदेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगा और इकोनॉमी भी रिवाइव होगी। और हमारे देश करेंटली उस तरह की स्थिति में है जहां पे डिमांड की डेफिसिट भी दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पर सरकार खर्च करेगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जरूर यह है कि अगर 10,000 करोड़ है उसमें आपको निर्णय करना है कि आप शिक्षा पे करेंगे या किसी और चीज पे करेंगे, उसका डिटेल में जाना पड़ेगा कौन सा सही है और कौन सा नहीं। अगर सरकार खर्च ही करती लोगों पर, तो ये जो स्थिति है कि बहुतेरे लोग गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाते हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है, इसका मतलब है कि सरकार खर्च नहीं कर रही है। इसका तो यही निष्कर्ष निकलता है। तो अगर आप उदाहरण से बताएं, क्योंकि आप सामाजिक नीतियों पर काम करती हैं, तो कितना बजट का या जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा जो ये गरीब समाज है उस पर खर्च होता होगा? ठीक है, मैं एक सेक्टर का आपको उदाहरण लेके बताती हूँ। एक दो, पहला अगर हम स्वास्थ्य ले लें, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है जो दुनिया भर के देशों में सरकार बहुत बड़ी इसमें एक रोल निभाती है लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में। भारत में अभी भी 1.5% जीडीपी से कम स्वास्थ्य पर खर्च होती है, और अगर पूरे दुनिया की तुलना में हम लोग देख लें, और भी देश जो काफी गरीब है हमसे, फिर भी हम वो लिस्ट में नीचे से चौथे पांचवे में आते हैं, जो जीडीपी के हिसाब से कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पे खर्च करती है।
और ये हमें दिखता है कि जितना अस्पताल होना चाहिए उतना नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो बेड नहीं है, कोविड में दिखा कि ऑक्सीजन नहीं है, ये सारे चीजें होती है क्योंकि सरकार खर्च नहीं करती है। एक और अगर उदाहरण हम लोग ले ले लें, एक और स्कीम है जो भारत सरकार चलाती है, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन स्कीम, कि 90% लोग जो कामकाजी लोग हैं हमारे देश में, वो इनफॉर्मल असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनको कोई पेंशन नहीं मिलता है। तो जब वो काम करना बंद करते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, तो सरकार के तरफ से पेंशन मिलती है। वो जो पेंशन है वो केंद्र सरकार के तरफ से 2009 से 200 रुपए पर महीना है। आप सोच लीजिए कि कितना दाम बढ़ा है, 13 साल हो गए हैं, 200 वैसे ही 2009 में भी कम था, उसको हम मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से भी नहीं बढ़ा है। इस तरफ से मैं हर स्कीम में बता सकती हूँ, जैसे एजुकेशन का, शिक्षा का आप ले लीजिए, 1960 से भारत सरकार का जिस भी पार्टी है उन लोगों ने कमीशन बनाया, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी आया है कि कम से कम 6% GDP का शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, हम लोग 4% से ज्यादा नहीं कर पा रहे, या कि कोई भी सरकार एलोकेट नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग देख लें तो बिल्कुल भारत सरकार का ऐसा नहीं है कि खर्चा बहुत ज्यादा है, GDP के प्रतिशत के रूप में दुनिया के सभी देशों में हम नीचे ही आते हैं रैंक। इसके साथ मैं एक और आंकड़ा जोड़ दूं तो वो ये है कि तकरीबन 90% लोग 25,000 रुपये से कम कमाते हैं। ये पूरे आंकड़े देखें और आगे बढ़ें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक सलाह दी है कि एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी यह तय करे कि जो ये फ्रीबीज है वो सही है या नहीं है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए इसमें भी मेरा मानना वही है कि एक मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही इसका सोल्यूशन आना चाहिए। मतलब अगर यानी कि आप लोग, संसद के जरिए। हाँ, पहले तो मुझे लगता है ये फ्रीबी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रीबी मतलब क्या है कि कोई दान कर रहा है, कि बिना मतलब का बांट रहा है मोस्ट। लेकिन भारत सरकार वो आप कह सकते हैं कि कोई अमीर आदमी है, उसके पास बहुत पैसे बचे हैं और वो ऐसे ही बांट रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उससे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन जब सरकार कुछ भी दे रहा हो, सरकार का पैसा तो जनता का पैसा है ना, और उसके साथ साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है, जो बहुत लोग रेस्पॉन्स में बोलते हैं कि जो लोग मेहनत करके कमाए हैं वो लोग टैक्स भरते हैं और सरकार ऐसे फ्री में चीजें देती है जिससे गरीब लोग मेहनत नहीं करेंगे, ये भी एक गलत समझ है। जितना भी गरीब हो इंसान, वो टैक्स में तो कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, क्योंकि आप एक साबुन का टिका खरीद लीजिए, एक बिस्किट पैकेट खरीद लीजिए, कुछ भी आप खरीदिए, और आज के दिन में कोई भी ऐसा नहीं है जो मार्केट से कुछ नहीं लेता है, तो उस पे आप GST तो देते ही है ना। तो हम जो भी है वो टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए सबका अधिकार है कि उस पर उसका जो खर्चा हो रहा है वो सबका, हमारा पैसा, जो सिविल सोसाइटी का स्लोगन रहा है, हमारा पैसा हमारा हिसाब, तो पैसे हमारे, हिसाब हमारे, तो इसमें फ्री क्या है? हम सरकार को चुने हैं कि वो हमारे लिए काम करे और वो कर रहा है, ये होता है जरूर। मैं मानती हूँ कि कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स आते हैं जो हमें, कुछ लोगों को लग सकता है, मुझे भी लग सकता है कि ये फालतू है, ये खर्चा नहीं होना चाहिए, पर वो भी मुझे लगता है उसका सोल्यूशन भी पॉलिटिकल प्रोसेस से निकलना चाहिए, ना कि कोई ब्यूरोक्रेटिक कमिटी बने किसी एक सरकार का हो जो आज से आगे तक पूरा डिसाइड कर ले कि कोई भी पार्टी अपने क्या जनता को प्रॉमिस कर सकता है नहीं कर सकता है। ये डेमोक्रेसी का एक बेसिक एक प्रोसेस है, और उसमें अगर कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है वो उसी प्रोसेस से उसका सुझाव सॉल्यूशन निकलना चाहिए, ना कि कोई टेक्नोक्रेटिक, और कोई करप्शन ना हो, गलत चीज ना हो, उसके लिए तो हमारा EC है और उसके लिए कुछ प्रोसेसेस है, संविधान में रूल्स हैं, उनको हम सही से फॉलो करें। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो लैपटॉप दिए जाते हैं या साइकिल दिए जाते हैं, या अगर हम देखें कि एक हम कहते हैं कि सबके लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, ये तो एक ऑब्जेक्टिव किस्म की बातें हैं, लेकिन जो जरूरतें बिहार की हैं वही तमिलनाडु की नहीं हो सकती हैं, सब अलग-अलग होगा। वैसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि यह निर्णय कर पाना किसी ब्यूरोक्रेटिक संस्था के लिए उचित होगा कि क्या फ्रीबीज के तौर पे सही है और क्या गलत है? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। एक चीज तो जैसे आपने कहा, अलग अलग जगहों पे जरूरतें भी अलग है, जैसे तमिलनाडु में अभी स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी ठीक चलता है, उनके जो सरकारी अस्पताल है, PHC है, वो चलता है। यूपी बिहार में अभी भी बहुत सारे PHC वगैरह है जहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है या दवाइयां नहीं है,
तो वहां पे जब चुनाव होता है या राजनीतिक पार्टी जिस चीज को मुद्दा बनाते हैं, साउथ में जो मुद्दा बनाते हैं वो अलग अलग समय पर बदलती रहती है, वो उस जगह के हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है कि क्या मुद्दा बनता है क्या नहीं बनता है, और इसीलिए वो पॉलिटिकल प्रोसेस को हमें बनने देना चाहिए। और पॉलिटिकल प्रोसेस में कुछ चीजें होंगी जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जैसे अभी आज के समय में जो मेजोरिटी है हो सकता है मुझे ठीक ना लगे, लेकिन उससे लड़ने के लिए मुझे यही प्रोसेस को तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि कोई बाहर से आके बताएगा क्या सही है क्या गलत है, फिर चुनाव और डेमोक्रेसी का मतलब क्या रहेगा। आपके हिसाब से आप सामाजिक नीतियों पर काम करती हैं कि सामाजिक क्षेत्र में इन्वेस्ट करना मानव संसाधन के लिए उचित होता है या किसी देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए उचित है, या जो उसके पूंजीपति वर्ग हैं वहां पे टैक्स इंसेंटिव जैसी चीजें दे देना वो उचित है? भारत के लिए क्या उचित होना चाहिए? कि एक बैलेंस तो एक तो होना पड़ेगा पहली बात। ये भी बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि टैक्स इंसेंटिव तो सही है क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वगैरह, पर इसका कोई ऐसा प्रूवन रिकॉर्ड तो है ही नहीं। दूसरी, जो जैसे आपने कहा, अगर आप जितना भी आप सप्लाई साइड इंटरवेंशन कर दीजिए कि आप कम कम इंटरेस्ट में लोन दे रहे हैं वगैरह वगैरह, अगर लोगों के हाथ में खरीदने का क्षमता नहीं है और आपका जनसंख्या मानव संसाधन ऐसा है कि आप उनको कोई रोजगार दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ना शिक्षा है ना पोषण है, हेल्दी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। ये बहुत, जैसा अमर्त्य सेन ने भी इस पे काफी लिखा है कि मानव संसाधन भी उतनी ही जरूरी है एक आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए। और भारत में हम जानते हैं कि अभी हमारा यूथ जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है जो बेरोजगार है, उसमें एक समस्या ये भी है कि शिक्षा कम है, स्किल कम है, पोषण कम है, जिसके चलते बहुत सारे चीजें नहीं है जो वो कर सकते हैं। तो ये इवन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ये मानव संसाधन को बढ़ाना काफी जरूरी है, और मानव संसाधन मार्केट के थ्रू सिर्फ नहीं बढ़ता है। हमारे जैसे देश में खास करके जहाँ पे इतना असमानता और गरीबी है, अगर आपको शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाना है तो सरकार को ये सेवाएं देनी होंगी। आपसे एक मैं इस तरह का सवाल पूछूं, मान लीजिए कि ICDS स्कीम बहुत अच्छे तरीके से चलती और जिस तरह के टैक्स इंसेंटिव पूंजीपतियों को दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ICDS स्कीम बहुत अच्छे से चलती, उसको ढंग से लागू किया जाता, तो इसका फायदा भारत को ज्यादा मिलता, बशर्ते कि टैक्स इंसेंटिव के जो रिपोर्ट बताते हैं कि बहुत कम उसका फायदा मिला है? हाँ, मतलब हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कौन सा टैक्स इंसेंटिव वगैरह, लेकिन मोटा मोटी मुझे बिल्कुल, मैं ये मानूंगी क्योंकि ICDS जैसा स्कीम अगर आप कहें तो एक पूरा जेनरेशन का, पूरी जिंदगी का आउटकम क्या होगा उस वो तय करता है ICDS बहुत तरीके से, जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, पोषण है वगैरह। एक टैक्स तो उसका आपको रिजल्ट शायद अभी एक दो साल में नहीं दिखेगा, 20-25 साल के बाद दिखेगा, लेकिन आप कुछ कुछ बड़े पूंजीपतियों को से जो टैक्स कम ले रहे हैं, एक तो उससे रोजगार बढ़ रहा है वो तो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा। उनका मुनाफा बढ़ रहा है। और अगर हम मुनाफा को माने एक इंडिकेटर, तब वो बढ़ रहा है और वो तुरंत भी दिखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो फेयर, एक जस्ट सिस्टम, मतलब जस्टिस की भी तो एक बात होती है। जैसे मैं देख रही थी, जैसे बजट के भी डॉक्यूमेंट्स में दिखता है कि मुनाफा जितना बढ़ता है टैक्स उतना कम हो रहा है, तो ये तो कोई मतलब तो बनता नहीं है ना किसी भी लॉजिक से। इस स्कीम के बारे में बता दें एक लाइन में अपने दर्शकों को, ये पूरे समग्र पोषण या समग्र बाल विकास से जुड़ी हुई एक योजना है, अगर वो ढंग से लागू होती तो आप खुद समझिए कि कैसी स्थिति होती। आपसे अंतिम सवाल होगा कि आपने बड़े ध्यान से देखा होगा कि जो आंकड़े सामाजिक, जो खर्च सामाजिक क्षेत्र में किए जाते हैं और जो टैक्स इंसेंटिव वगैरह दिया गया है, या फॉरगॉन जो होता है, रेवेन्यू फॉरगॉन वगैरह होता है, या बैंक रिटेन ऑफ जो किया जाता है लोन वगैरह, इन दोनों के बीच आप तुलना करें तो आपको क्या दिखता है? क्या ऐसा है कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत मामूली खर्च होता है और यहां पर बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाता है दूसरी जगहों पर? जी, देख के तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि एक ये टैक्स फोरगॉन तो एक ही हिस्सा है। आपने जैसे अभी एनपीए का बात किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसका तो हिस्सा मतलब बजट में तो वो नहीं दिखता है, वो तो कहीं और है। जैसे बड़े बड़े लोन्स हम बहुत लोगों के नाम जानते हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह, जो भाग गए हैं देश से जितना हजार हजार करोड़ लेके, उसके हिसाब से आप देख लें कि एक दो स्कीम्स जिसको, मान लीजिए जिससे मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसको फ्री भी बोलना, जैसे कि आप कोई गोल्ड चेन बांट रहे हैं या ये ग्राइंडर बांट रहे हैं, मान लीजिए आप बोलिए कि उसका बजट कितना होता है, बहुत ही कम होता है।
ठीक है, वो मतलब लेकिन हम उस पर इतना समय बिताते हैं कि पता नहीं गरीब उनको क्या दे दिया और उससे क्या हो गया, जबकि दूसरी तरफ एनपीएस हो या ये टैक्स फोरगॉन हो, और फोरगॉन को तो आप छोड़ दीजिए, जो टैक्स रेट्स भी है, जैसे वेल्थ टैक्स हमारे देश में है ही नहीं, इनहेरिटेंस टैक्स हमारे देश में है ही नहीं, ये सारी चीजों पे तो चर्चा होती ही नहीं है, और मुझे लगता है वो सबसे बड़ी बात। कॉरेक्स भी घटाकर 30% से 22% के आसपास कर दिया गया है, जबकि बंपर कमाई कोविड के दौरान कॉरपोरेट ने की थी। फोरगॉन नहीं है ना, वो तो टैक्स ही कम कर दिया आपने। टैक्स ही कम कर दिया गया। तो अगर मोटा मोटी कहें तो यही कहा जा सकता है कि जो भारत सरकार की आर्थिक नीतियां हैं वह पूरी तरह से जन कल्याणकारी नहीं है, और जो हल्की फुल्की राहत मिलती है उसे रेवड़ी कल्चर करके खारिज करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया इस विषय पर बहुत ही आम भाषा में हमसे बातचीत करने के लिए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको न्यूज़ क्लिक के वीडियो ठीक लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी खबरों को हमारे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर पेज भी है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।